हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी को नमस्कार सभी का वेलकम इस लेसन में यू ऑल आर वेलकम टू दिस लेसन लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन प्लीज़ कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके So confirm quickly your audio video is okay so that we can start. तो चलिए शुरू करते हैं हम continue कर रहे हैं module B के जो revision questions हैं So last moment के ऊपर जो revision है उसको लेकर के ये सारे question बनाए गए हैं तो इससे पहले लेसन में हमने एक पार्ट किया था अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे मॉड्यूल बी का तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वट डज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सी ए पी एम डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वो किसके बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिटर्न्स एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम को सिस्टेमेटिक रिस्क एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम को या रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न को तो किन चीज़ों के बीच में वो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की यस व्हाट विल बी द आंसर कोशिश करिए कि आंसर बनता है आंसर देने की बिकॉज इस समय हम रिवीजन के ऊपर हैं बाय दिस टाइम आपने इसको ज़रूर कर रखा होगा और अगर आपने इसको नहीं कर रखा तो लेट मी डिस्कस तो हम एक, एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं सो रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को तो रिस्क तो है लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को ये रिलेट नहीं करता है रिटर्न एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम को रिटर्न्स को तो ये जरूर कंसिडर करता है मार्केट रिस्क प्रीमियम को कंसिडर नहीं करता है सिस्टेमेटिक रिस्क एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम नो इसको रिलेट नहीं करता है रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न यस इसको ये डिस्क्राइब करता है यानी एक तरफ हमारे पास रिस्क होता है एक तरफ हमारे पास, पास रिटर्न होती है दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न अगर हमें रिटर्न हाई लेना है तो हमें रिस्क भी हायर अज्यूम करना होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के ऊपर चलते हैं वाट आर टू मेन अप्रोचेज फॉर इवेलुएटिंग ओवरसीज प्रोजेक्ट्स सो कंट्री के बाहर अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका इवेल्यूएशन करने के लिए मेन दो अप्रोचेज कौन कौन सी हैं होम करेंसी अप्रोच फॉरेन करेंसी अप्रोच डोमेस्टिक अप्रोच इंटरनेशनल अप्रोच कैश फ्लो अप्रोच करेंसी कन्वर्जन अप्रोच रुपी अप्रोच डॉलर अप्रोच तो देखिए कौन सी दो मेन अप्रोचेस हैं ओवरसीज प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए सो so, कौन सा आंसर हमारा बनेगा यस ट्राई टू गिव द आंसर आंसर देने की कोशिश करें बिकॉज इस समय हम उस स्टेज के ऊपर हैं जब हम रिविजन एटसेट्रा हमारी बेसिक प्रिपरेशन हो चुकी होगी तो ये मेन दो अप्रोचेज हैं एक होम करेंसी अप्रोच दूसरी फॉरन करेंसी अप्रोच सो दिस मीन दिस इज आवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

तो डिस्काउंटिंग में हम किन किन की फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे सो वट की फैक्टर्स एंड कंसिडेशन शुड बी टेकन इन टू अकाउंट प्रवेलिंग स्पॉट रेट फॉर कन्वर्टिंग लोकल करेंसी टू फॉरन करेंसी टाइप ऑफ फॉरन करेंसी फॉर्म्स सच एज करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर चेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट फॉर फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज या एडजस्टिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट्स फॉर इंटरेस्ट रेट्स एंड एट द एट द टाइम अंटिल एक्सपायरेशन तो ये हमारे पास चार डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और हमारे ऑप्शन ये वाले हैं ए एंड बी करेक्ट हैं इन स्टेटमेंट में से एंड सी करेक्ट हैं बी एंड डी करेक्ट हैं या ए सी एंड डी करेक्ट हैं तो येस ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आंसर हमारा क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट के लिए सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन ट्वेंटी एट व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन ट्वेंटी एट तो चलिए हमने देखने हैं वो की फैक्टर्स और कंसीडरेशन जो हम कंसिडर करेंगे कब जब हम फॉरन करेंसी के डिस्काउंट रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे डिटरमिन करेंगे तो चलिए देख लेते हैं प्रिवेलिंग सपोर्ट रेट फॉर कन्वर्टिंग लोकल करेंसी इंटू फॉरन करेंसी यस ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब फॉरन करेंसी हमारे पास आएगी हम उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे यानी इंडियन करेंसी में तो उस समय का सपोर्ट रेट क्या होगा उस करेंसी का टाइप ऑफ फॉरन करेंसी फॉर्म्स करेंसी नोट्स ट्रेवलर चेक्स तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये मैटर नहीं करता है हमारे पास ये आने ही नहीं है हमारे पास बैंकिंग चैनल से डायरेक्ट आएगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट फॉर फ्यूचर करेंसी एक्सचेंज तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा एडजस्टिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट्स फॉर इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम आंटिल एक्सपायरेशन येस ये भी कंसिडर करना होगा ए सी डी तीन फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाएंगे दैट मीन अवर ऑप्शन आंसर विल बी डी अराइविंग एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज असेंशियल फॉर अप्लाइंग डिस्काउंटिंग मेथड ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन इन द कंटेक्सट ऑफ कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट सपोज द फॉलंग डेटा इज प्रोवाइडेड तो क्वेश्चन क्या है अराइविंग एट अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ज़रूरी है जब हमने डिस्काउंटिंग मेथड को यूज करना हो इस कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमने उसको फोकस करना है ये हमें डेटा प्रोवाइडेड है रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इन कंट्री एक्स इज फाइव परसेंट रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इन कंट्री वाई इज एट परसेंट रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड बाई द कंपनी इन कंट्री एक्स इज ट्वेल्व परसेंट कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन कंट्री वाई दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द कंपनी तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए है और हमारी ऑप्शन क्या है तो ट्वेल्व पॉइंट थ्री फाइव फोर्टीन पॉइंट टू एट 15.34 या इनमें से कोई भी नहीं तो हमने कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट करना है हमने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कंट्री वाई के अंदर तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं तो चलिए कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दिस इज़ द फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे इस परपज़ के लिए लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि इस फार्मूले के थ्रू जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशन हैं इट मे टेक समथिंग अबाउट फाइव टू सेवन मिनट्स और एग्ज़ाम में आपने तुक्का लगा के इस क्वेश्चन को टिक करना होगा तो कर देना लेकिन कैलकुलेशन में आपने डिटेल में कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं करना सो so दैट आपके दूसरे क्वेश्चन कहीं रहना चाहें तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं वट डज कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व कैपिटल बजटिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है एस्टिमेटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रडिक्टिंग फ्यूचर मार्केट बिहेवियर एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कैलकुलेटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्क हमने बताना है इनमें से कौन सा आस्पेक्ट कैपिटल बजटिंग में इन्वॉल्व रहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट उसको एस्टीमेट करना नो no, वो तो अवेलेबल रहती है प्रोडिक्ट फ्यूचर मार्केट बिहेवियर वो इम्पोर्टेंट होता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दूसरे एस्पेक्ट्स हैं एस्टिमेटिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स यस एग्जैक्टली यही होता है सो कैपिटल बजटिंग में हम जो फ्यूचर में कॉस्ट है उसको कंसिडर करते हैं फ्यूचर का जो रेवेन्यू है उसको कंसिडर करते हैं और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं लॉन्ग पीरियड के लिए उसको कंसिडर किया जाता है तो कैपिटल बजटिंग एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है शॉर्ट टर्म फिनोमिना नहीं है वॉट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेंसिटिविटी अनालिस इन कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग में इवेल्यूशन करते समय हम कई प्रकार के एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें एक एनालिसिस हो सकता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। हमारा क्वेश्चन है कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है तो चलिए पहले इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन असेसिंग मार्केट कॉम्पिटिशन असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑन प्रोजेक्शन और एस्टिमेट्स Analyzing एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यस सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा तो देखिए कैपिटल बजटिंग में उसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है सेंसिटिविटी एनालिसिस का इट कुड बी सैनरियो एनालिसिस इट कुड बी सेंसिटिव एनालिसिस तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या उसका पर्पस रहता है फ्रेंड सेंसिटिविटी एनालिसिस में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो आउटकम है प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिफरेंट फैक्टर्स से अफेक्ट होती है तो उसको अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं तो उन फैक्टर्स को हम एक एक वेरी करके एक एक फैक्टर को चेंज करके उसकी वैल्यू को उसकी परसेंटेज को चेंज करके उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या होने वाला है जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर टू परसेंट चेंज होती है तो प्रॉफिट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वेजेस अगर सेवन परसेंट चेंज होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो जब हम एक एक फैक्टर को लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं तो वो होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस और उसकी लाइट में अगर हम देखते हैं तो फिर हमारा ये आंसर सही बनता है हम असेस करते हैं इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑन प्रोजेक्शंस और ऑन द एस्टिमेट्स रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हम कंसिडर करते हैं वन बाई वन सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर विच कंपोनेंट ऑफ द फार्मूला फॉर परफेक्टली कोरिलेटेड कैश फ्लोज इन हेलर मॉडल प्राइमरली रिप्रेजेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश फ्लो जो हिलर्स का फार्मूला है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं परफेक्टली कोरिलेटेड कैश फ्लोज के लिए तो प्राइमरली उसमें मॉडल के अंदर रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश फ्लो वो कौन सा कंपोनेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द कैश फ्लो जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं रिस्क फ्री रेट है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिनको हम स्मॉल आई एंड कैपिटल आई लिखते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है फॉर ईच ईयर्स जिसको हम सी टी लिखते हैं या नेट प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द प्रोजेक्ट तो हमने बताना है उस कंपोनेंट को उस फॉर्मूले के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश फ्लोस तो कौन सा वो कंपोनेंट है उस फॉर्मूले के अंदर सो so, हिलर्स के मॉडल के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है कैश फ्लोज को उसमें जो वेरिएशंस है तो वो है स्टैंडर्ड एविएशन सो स्टैंडर्ड एवियशन ऑफ कैश फ्लोज ये वो कंपोनेंट है फॉर्मूले के अंदर परफेक्टली कोरलेटेड कैश फ्लोज के लिए जो रिप्रेजेंट करता है रिस्क कितना है एसोसिएटेड विद द कैश फ्लोज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वॉट आर द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन ट्री इन डिसीजन ट्री मैथड जो डिसीजन ट्री मैथड है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का कैपिटल बजटिंग के अंदर उसका प्राइमरी एलिमेंट कौन है तो हमने बताना है प्राइमरी एलिमेंट ऑफ डिसीजन ट्री कौन सा है तो ये एलिमेंट्स हैं उसके ओनली ब्रांचिज रिप्रेजेंटिंग डिसीजनस ओनली नोड्स रिप्रेजेंटिंग रिवार्ड्स, बोथ ब्रांचेस रिप्रेजेंटिंग डिसीजनस एंड नोड्स रिप्रेजेंटिंग रिवॉर्ड्स या ब्रांचेस रिप्रेजेंटिंग डिजनज एंड नोड एट एंड ऑफ द ब्रांचिज रिप्रेजेंटिंग रिवॉर्ड विद एसोसिएट प्रोबेबिलिटीज़ तो प्राइमरी एलिमेंट डिसीजन ट्री का कौन सा है डिसीजन ट्री मेथड के अंदर जो प्रोजेक्ट रिवल्यूशन का मेथड है सो तो क्या उसमें ब्रांचेस हैं केवल क्या उसमें नोड्स हैं ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजंस को नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं रिवॉर्ड्स को या दोनों ही हैं ब्रांचेस भी हैं जो डिसीजनस को और नोड्स जो रिवार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं या ब्रांचेस रिप्रेजेंटिंग डिसीजंस, नोड्स एट एंड ऑफ द ब्रांचेस रिप्रेजेंट रिवार्ड्स विद एसोसिएटेड पॉसिबिलिटीज फ्रेंड इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा बनता है डी तो जिसमें डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं कि डिसीजन क्या लिया जाए नोड्स जो एट एंड ऑफ द ब्रांचेस हैं जो रिवॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में एसोसिएटेड पॉसिबिलिटीज क्या है वो भी एक्सप्रेस होती है। next question हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट फैक्टर्स नीड कंसिडरेशन वेन डिसाइडिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन एज रिस्क मिट्टीगेशन स्ट्रेटेजी फॉर ए कारपोरेट अगर कोई कारपोरेट कोई कंपनी अपने रिस्क को मिट्टीगेट करने के लिए स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सो हमने बताने हैं वो फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाते हैं जब डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को कंसिडर किया जाता है रिस्क मिटिगेट करने के लिए तो चलिए उन फैक्टर्स को देखते हैं कॉस्ट ऑफ हायरिंग कॉम्पिटिशन एंड इन हाउस टैलेंट एग्जिस्टिंग लीडर्स इन मार्केट एंड मार्केट बिहेवियर रिस्क रिसोर्से एक्सपर्टीज एंड अवेलेबल इन हाउस टैलेंट प्रेशर ऑन शेयर प्राइस एंड ऑफ लोडिंग इक्विटी तो हमने बताना है फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कंसीडरेशन डिमांड करते हैं जब डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमने डाइवर्सिफिकेशन को रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर अडॉप्ट करना है इसमें जो फैक्टर्स आते हैं वो आता है रिस्क रिसोर्सेज आते हैं एक्सपर्टीज आती है और व्हाट इज अवेलेबल इन हाउस टैलेंट तो ये पार्ट्स आते हैं सो so, कौन से फैक्टर्स हैं रिस्क फैक्टर रिसोर्सेस एक्सपर्टीज और इन हाउस अवेलेबल टैलेंट क्या है तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड वट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस एज ए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी तो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी एक डाइवर्सिफिकेशन है दूसरी स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता है तो इसका पर्पज क्या रहता है वट इज़ द पर्पज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी टू मेंटेन अनलिमिटेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी टू क्विकली पार्टनर विद विलिंग एंड कैपेबल नेटवर्क टू एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटीज टू डिस्करेज डाइवर्सिफिकेशन टू मोनोपोलाइज़ द मार्केट हमने बताना है परपज स्ट्रेटेजिक अलायंस का रिस्क मैनेजमेंट के लिए समटाइम स्ट्रैटेजिक अलायंस किए जाते हैं तो उनके पीछे परपज़ क्या है टू मेंटेन अनलिमिटेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अनलिमिटेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो हो नहीं सकती तो दिस इज आउट

अब हमारा क्वेश्चन आता है मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन तो मैच पॉइंट्स हमारे लिए लंबे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत हमें अच्छा स्कोर दे के जा सकते हैं तो इनको हम कैसे हैंडल करेंगे सो व्हाट वी हैव टू डू हियर ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल या एनालिसिस हैं सैनरियो एनालिसिस है सेंसिटिविटी एनालिसिस है सिमुलेशन एनालिसिस है हिलियर मॉडल है तो हमने ये उनके एक्सप्लेनेशन है इन एक्सप्लेनेशन को इनके साथ हमें मैच करना है यानी नंबर वन इनमें से किस को रिलेट करता है नंबर टू किस को रिलेट करता है इस प्रकार से और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं तो जो हमने क्लिक करने हैं तो चलिए देखते हैं क्या क्या है ये तो यहाँ पे एक नहीं वर्चुअली हम चार डिफरेंट मॉडल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं यानी चार क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन नहीं है तो चलिए द अनसर्टनटी ऑफ फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ सर्टन वेरिएबल्स कैन मूव इधर वे जो फ्यूचर मूवमेंट्स हैं किसी भी वेरिएबल की जैसे इंटरेस्ट रेट्स हैं रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं और वो अनसर्टनटी तो बनी रहती है वेरिएबल कैन कॉस्ट जो वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं सो वेरिएबल कॉस्ट हो सकते हैं रेवेन्यू हो सकते हैं नेट प्रॉफिट्स हो सकते हैं टेकिंग ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स इन टू अकाउंट विल बी डिफ़िकल्ट टास्क मेकिंग कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स अगर हम एक ही बार में सभी वेरिएबल्स को लेते हैं तो इससे जो हमारा कैलकुलेशन का एस्टिमेशन का जो टास्क है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो कौन सा वो एनालिसिस है जिसका एम होता है टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन ईच ऑफ दीज इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स ऑन प्रोजेक्शन और एस्टिमेट्स तो इनमें से कौन सा वो एनालिसिस है जिसमें हम हरेक वेरिएबल को कंसिडर करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा प्रोजेक्शंस के ऊपर और एस्टीमेट्स के ऊपर तो जैसा मैंने लास्ट स्लाइड्स के ऊपर एक्सप्लेन किया था तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस की तो सेंसिटिविटी एनालिसिस वो एनालिसिस है जो हम इम्पैक्ट देखते हैं प्रोजेक्शंस के ऊपर हर एक वेरिएबल के लिए सेपरेटली और फिर कंबाइंड भी देखा जा सकता है सो ईच ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड उनकी इम्पैक्ट कंसिडर किया जाता है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया नंबर टू This model is extension of or step forward compared to the another analysis. In this method, three situations namely normal, expected, optimistic and pessimistic are planned. तो यहाँ पे ये जो model है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये extension है किसी और model की और इस model के अंदर हम तीन different situations को consider करते हैं। तो जब हम scene बनाते हैं तो तीन डिफरेंट सिचुएशन को लेते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन हम कैलकुलेट करते हैं या एक्सपेक्टेड सो नॉर्मल या एक्सपेक्टेड दूसरी ऑप्टिमिस्टिक सीन हम क्रिएट करते हैं और तीसरा पेस्टिमिस्टिक हम प्लानिंग करते हैं तो इसके बेसिस के ऊपर हम फाइनली डिसीजन लेते हैं तो यहां पे हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट

डेविशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम दैल्यू द लेसर वुड बी रिस्क एंड अगर हम अपनी डिस्कशन को रिकॉल करें इसी लेसन के अंदर हमने स्टैंडर्डीशन ऑफ कैश फ्लो के ऊपर डिस्कशन किया था वो कौन सा मेथड है तो थोड़ा रिकॉल करिए कौन सा वो मेथड था तो वो मेथड था हिलियर मॉडल तो हमने इसको डिस्कस किया था चार पांच क्वेश्चन पहले जहां पे फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डिविशन टी का तो हम हिलियर मॉडल की यहां पे बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर और ये हमारा बचा नंबर थ्री सिमुलेशन एनालिसिस इसको देख लेते हैं ये क्या होता है इट मीन्स दैट इट इज नॉट रियल जो सिमुलेशन है ये रियल नहीं होता इट इज इमिटेशन एंड डिसेप्शन ये ये नकल की होती है यानी एक हम फर्जी सीनरियो क्रिएट करते हैं रिएक्शन एक्शन क्रिएट करते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिमिलर बट आर्टिफिशियल सिचुएशन तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक आर्टिफिशियल सिचुएशन जो रियल जैसी है वो हम क्रिएट करते हैं लेकिन वो रियल होती नहीं वी कंडक्ट एनालिसिस बाय फाइंडिंग आउट सेंसिटिविटी और उसके बाद हम अनालिसिस कंडक्ट करते हैं सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए जिसमें हम एन को ले सकते हैं आई आर आर को ले सकते हैं या किसी और क्राइटेरिया को ले सकते हैं तो अगर हम इसको देखें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वन का टू टू का वन वन का टू टू का वन थ्री का फोर फोर का थ्री यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने चार डिफरेंट एनालिसिस को एक ही शीट के ऊपर एक्सप्लेन कर लिया है अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि ये तो सचमुच में बहुत यूजफुल है अगर ऐसा है तो मेरा रिक्वेस्ट है अभी आप सभी से कि थोड़ा सा फीडबैक दीजिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के बॉक्स में नहीं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाइए और वहां पे अपने कमेंट दे दीजिए कि ये सारे का सारा हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड और वी कैन से द सेशन इज वेरी वेरी यूजफुल तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए उससे यूट्यूब क्या है कि वो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस लेसन को दिखाने की अपने लेवल के ऊपर कोशिश करता है क्योंकि आपने इसको यूजफुल फाइंड आउट किया तो कर दीजिए क्विकली फटाफट ये कमेंट दे दीजिए ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो को वॉच करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं वट डज सर्टेंटी इक्वल एम टू एड्रेस तो एड्रेसेंट मैथड तो इसका एम किस चीज को एड्रेस करने का होता है तो वो हमने बताना है तो ये हमारे ऑप्शन हैं इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट इट स्ट्राइव्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट अज्यूम्स अ अंस्टेंट रेट ऑफ रिस्क इट कंसिडर्स अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द आउटकम्स तो सर्टेंटी इक्वल्ट मेथड का एम किसको को एड्रेस करने का है ये क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कोशिश करिए आंसर देने की सो व्हाट शैल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को फोकस करता है लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर नो no. ये तो इसका एम नहीं है इट स्टाइप टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कोशिश करता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके तो यह भी नहीं है इट अज्यूम्स कॉन्स्टेंट रेट ऑफ रिस्क ये भी नहीं है आंसर तो हमारा ये है ये क्या कंसिडर करता है हमारे एटीट्यूड को कंसिडर करता है कि रिस्क के प्रति और वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम के प्रति हमारा नज़रिया क्या है हमारा एटीट्यूड क्या है सर्टनटी इक्वलेंट मैथड वाई इज सेफ्टी मार्जिन इंक्लूडेड इन कॉस्ट एस्टिमेट्स कॉस्ट एस्टिमेट्स के अंदर हम सेफ्टी मार्जिन को इंक्लूड करते हैं वाई इट इज सो टू रिड्यूस प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी to minimize actual cost incurred, to speed up project's completion, to account for unpredictable cost escalation and contingencies. तो जब हम cost estimate करते हैं, तो हम उसमें safety margin को भी include करते हैं। यानी अगर cost estimate हमने बनाया let us say forty three two hundred का, तो हम उसमें एक सेफ्टी मार्जिन को ऐड कर देते हैं लेटेस्ट से फाइव परसेंट हमने इस कॉस्ट में और ऐड कर दिया उसकी वैल्यू कैलकुलेट की और उसको ऐड कर दिया तो ये हम क्यों इंक्लूड करते हैं कॉस्ट एस्टीमेट के अंदर इस सेफ्टी मार्जिन को फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारे एस्टीमेट्स हैं वो अनप्रडिक्टेबल रहते हैं तो जिसके कारण अगर कॉस्ट कल कोई इंक्रीज हुई या कोई कंटिनजेंसी आई तो फिर हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे तो अगर हमने वो जो अनप्रडिक्टेबल कॉस्ट एस्केलेशन है और कंटिजेंसी है उसको अकाउंट फार करना है तो फिर सेफ़्टी मार्जिन को हम इसमें ऐड कर लेंगे यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें डाल देंगे आई होप सेफ्टी मार्जिन इस कॉन्टेक्स्ट में आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है वट इज परपज ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सैनरियो बिल्डिंग इन कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग के अंदर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं सैनरियो बिल्डिंग भी करते हैं इनका परपज क्या रहता है वट इज परपज किसका नंबर वन सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड नंबर टू सेनेरियो बिल्डिंग तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है टू अकाउंट फॉर रिस्क एंड अनसर्टेटी इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू एलिमिनेट ऑल सोर्स ऑफ रिस्क टू डिटर्मिन एग्जैक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आई आर आर वैल्यूज टू क्रिएट इमिटेशन एंड डिसप्शन ऑफ रियल सैनिरियोज तो हमने बताना है ये हम क्यों क्रिएट करते हैं वाई इट इज क्रिएटेड उसका पर्पज क्या रहता है सेंसिटिविटी अनालिसिस का और सैनरी ऑफ बिल्डिंग का व्हाट इज तो क्या पर्पस रहता है तो so, पर्पस रहता है क्या हम इमिटेशन एंड डिसेप्शन रियल सैनरियों का क्रिएट करते हैं हम उनकी कॉपी बना लेते हैं एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं फर्जी सो so, इमिटेशन डिसेप्शन रियल सिचुएशन का रियल का तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आर की ऑफ हिलियर्स मॉडल फॉर एनालाइजिंग रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हिलियर का मॉडल है तो एनालाइज करने के लिए रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है Hillier's model is based on a net present value like earlier methods. Risk associated with the cash flow is reflected in standard division of cash inflows. Perfect correlation among cash flows implies that behavior of cash flow in all years is alike. In the formula for uncorrelated cash flows, standard division of cash flows for each year is represented by standard division T or our option answers. करेक्टरिस्टिक्स के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनमें से हमने इनको पिकअप करना है तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे बनते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिलियर्स मॉडल की तो कौन कौन से वो की करेक्टरिस्टिक्स हैं हिलियर्स मॉडल के सो हिनेल मॉडल के, so, के थ्रू हम एनालाइज करते हैं रिस्क को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सो so, इस मॉडल का जो बेस है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू जैसे दूसरे मेथड्स के अंदर है है यस ये तो करेक्ट सो so, जैसे दूसरे मेथड्स हैं जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को बेस मानते हैं तो इसमें भी हम बेस लेते हैं रिस्क एसोसिएट विद कैश इनफ्लोज रिफ्लेक्टेड इन स्टैंडर्ड एविशन ऑफ कैश इनफ्लोज यस दिस इज करेक्ट परफेक्ट कोरलेशन हम कैश फ्लो एम्प्लाइज दैट बिहेवियर ऑफ कैश फ्लोज इन द ऑल ईयर इज लाइक तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट कोरलेशन की तो उसका मीनिंग ही यही है कि सभी सालों का जो कैश फ्लो होगा वो एक जैसा होगा तो ये भी करेक्ट है इन द फॉर्मूला फॉर अनकोरलेटेड कैश फ्लोज स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ कैश फ्लो फॉर ईच ईर इज रिप्रजेंटेड बाई स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ टी यस दिस ऑल्सो इज करेक्ट और इसको हम डिस्कस कभी कर चुके हैं किसी और क्वेश्चन के अंदर तो दैट मीन हमारे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए बी सी डी ऑल करेक्ट वट आर फैक्टर्स विच डिटर्मिन रिस्क परसेप्शन इन बिजनेस मैनेजमेंट सो बिजनेस मैनेजमेंट में जो रिस्क परसेप्शन है उसको डिटर्मिन करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं स्किल ऑफ डिसीजन मेकर एंड नॉलेज ऑफ बिजनेस कॉस्ट एंड नेचर ऑफ फ़िक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फाइनेंशियल लीवरेज एंड मेथड ऑफ फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी फॉर हैंडलिंग कंटिजेंसीज एंड अनफोर्सिन इवेंट्स और ये हमारे ऑप्शन हैं तो हमने बताना है फैक्टर्स कौन कौन से हैं जब हम रिस्क परसेप्शन को डिटर्मिन करते हैं टू डिटरमिन रिस्क परसेप्शन तो उन फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है इनके अंदर तो so, ये yes, सभी स्टेटमेंट्स को रीड करें केयरफुली इवेलुएट करें उनको इसका आंसर तलाश करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी के लिए व्हाट इज द आंसर तो चले एक एक ऑप्शन को हम इवैल्यूएट कर लेते हैं सो रिस्क बिजनेस मैनेजमेंट में पहले को देखते हैं स्किल ऑफ डिसीजन मेकर जिसने भी डिसीजन लेना है उसकी स्किल्स क्या है और उसका नॉलेज क्या है अबाउट द बिजनेस यस ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है नो डाउट अबाउट इट कॉस्ट एंड नेचर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट में कैपिटल की जरूरत रहती है और वेरिएबल कॉस्ट में वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहती है तो उन कॉस्ट को सही प्रकार से आइडेंटिफाई करना और उसको एस्टीमेट करना तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है और वो तभी पॉसिबल है जब डिसीजन मेकर जो है उसके पास वो स्किल्स एंड नॉलेज होगा फाइनेंशियल लीवरेज एंड मेथड ऑफ फंड रेजिंग तो रिस्क परसेप्शन में मैटर नहीं करता है स्ट्रेटजी फॉर हैंडलिंग कंटिजेंसीज एंड अनफॉर्सिन इवेंट्स क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाएगी अगर कोई कंटिजेंसी आती है या अनफॉर्सिन इवेंट्स हैपन होती हैं तो फिर स्ट्रेटेजी क्या होगी तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है ए बी डी दिस मीन दिस आंसर इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा है एक बार फिर से मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट तो अलग अलग टाइप की कॉस्ट में दे रखी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है रेलेवेंट कॉस्ट दे रखी है फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ इनको मैच करना है और ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है तो चलिए इनको हम देखते हैं मैच करने की कोशिश करते हैं अगर आपने इन कॉस्ट को अच्छे से पढ़ रखा है फिर इनको डिफ्रेंशिएट करने में आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी लेकिन अगर हम इनके बारे में नहीं जानते या नहीं हमने पढ़ रखा तो आपने कुछ इम्पोर्टेंट छोड़ रखा है इन एनी केस ये जो रिविजन क्लास है डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है तो चलिए देखते हैं क्या क्या है सैलरी ऑफ स्टाफ रेंट ऑफ ऑफिस डेपरीशियशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन तो इनमें से ये कौन सी कॉस्ट है येस yes, बताइए इनमें से ये कौन सी कॉस्ट है ऑफिस स्टाफ की सैलरी ऑफिस का रेंट बिल्डिंग की या मशीन की डेपरीशन इनमें से कौन सी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रेलिवेंट कॉस्ट है फिक्सड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है फ्रेंड ये जो कॉस्ट है पहले हम इसकी नेचर को देखें किसी भी फर्म के अंदर सेल्स लेवल हंड्रेड हो या सेल्स लेवल टू हंड्रेड हो क्या ऑफिस के रेंट में चेंज आएगी क्या जो डेप्रिशिएशन होनी है बिल्डिंग की मशीन की उसमें चेंज आएगी क्या ऑफिस के स्टाफ की जो सैलरी है उसमें चेंज आएगी नहीं आएगी और अगर चेंज नहीं आएगी तो हम इसको ले लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट तो ये बन जाती है फिक्स्ड कॉस्ट यानी यहां पे आ गया हमारा नंबर थ्री नो सेकंड रॉ मटेरियल परचेज्ड पेमेंट ऑफ वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पावर एंड फ्यूल ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रेलेवेंट कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है <coughs> तो एक बार फिर हम सेल्स से इसको रिलेट कर लेते हैं अगर सेल्स 100 हंड्रेड है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट पेमेंट ऑफ वेजिस की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट पावर एंड फ्यूल की कॉस्ट तो क्या सेम रहने वाली है अगर हमारी सेल्स 200 हो जाए तो वेरी करने वाली है अगर हमने सेल ज्यादा करनी है तो रॉ मटेरियल का परचेज भी ज्यादा करना होगा वेजिस लेबर को ज्यादा पे करनी होगी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे पावर एंड फ्यूल भी ज्यादा खर्च होगा यानी यहाँ पे ये एक्सपेंसेस हैं ये वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू सेल तो ये बन गए हमारे वेरिएबल कॉस्ट लॉस ऑफ इनकम ऑन एन इन्वेस्टमेंट विच कुड नॉट बी मेड सिंस अदर इन्वेस्टमेंट वॉज प्रेफर्ड हमारे सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्स है हमारे सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वाई है इसके ऊपर रिटर्न हमें मिलता है एट परसेंट का इसके ऊपर हमें रिटर्न मिलता है एट पॉइंट सेवन परसेंट का हमने इसको प्रेफर किया और इस प्रोसेस में ये जो अपरचुनिटी हमारे पास अवेलेबल थी ये अपॉर्चुनिटी हमें लॉस हो गई है इसको हम यूज नहीं कर पाए तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये हो गया हमारा नंबर वन

ये वो कॉस्ट है जो एप्रोप्रिएट जानी जाती है एट गिवन टाइम फॉर ए गिवन सिचुएशन दिस मीन जो रेलिवेंट कॉस्ट है इट विल डिफर फ्रॉम डिसीजन टू डिसीजन इनको हम अवायडेबल कॉस्ट भी कहते हैं तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अवॉयडेबल कॉस्ट हम किसको कहते हैं तो ये कॉस्ट होती है रेलिवेंट कॉस्ट तो देखिए हमने यहाँ पे पांच तरह के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है अवॉयडेबल <coughs> कॉस्ट क्या होती है रेलीवेंट कॉस्ट है रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है ये उसका एक्सप्लेनेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है तो पांच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर कवर कर लीजिए हाँ मैं मानता हूं उतना छोटा नहीं है <coughs> तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या बनता है ऑप्शन आंसर बनता है हमारा डी तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन करने के बाद ये सारी कॉस्ट के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई होगी तो जिन्होंने अभी तक भी कमेंट नहीं दिया है इस वीडियो लेसन के कमेंट बॉक्स में तो मेरा रिक्वेस्ट है वो कमेंट जरूर कर दें कि सेशन आपको कैसा लग रहा है थोड़ी सी सी रेटिंग कर दीजिए सेशन की इससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वीडियो को वॉच करने के लिए दे फील एनकरेज तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सो so, कर देंगे कमेंट जिन्होंने नहीं किया है खास तौर के ऊपर जो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो वीडियो को वो पॉज कर लेंगे और पॉज करके कमेंट लिख देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं व्हाट कंसीडरेशन शुड बी कैप्टन माइंड वाइल एस्टिमेटिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस सो जब हम प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस करेंगे उसके अंदर हम रेवेन्यू को एस्टिमेट करते हैं उसके अंदर हम कॉस्ट को एस्टीमेट करते हैं तो कंसिडेशन क्या क्या होंगी जो हम माइंड में रखेंगे एट दैट टाइम रेवेन्यू एस्टिमेट शुड बी कंजर्वेटिव टू अकाउंट फॉर अनएक्सपेक्टेड अनफेवरेबल इवेंट्स कॉस्ट एस्टिमेट शुड हैव सेफ्टी मार्जिन विच में रेंज फ्रॉम टेन परसेंट टू थर्टी परसेंट डिपेंडिंग पॉन टाइप ऑफ कॉस्ट फ्लेक्सीबिलिटी इन इन्वेस्टिंग में बी रिक्वायर्ड

लंबे चौड़े ऑप्शन आंसर हैं तो सभी को केयरफुली रीड करें और आंसर प्रोवाइड करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन के लिए सो वट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्या आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन के लिए तो चलिए देख लेते हैं एक करके रेवेन्यू एस्टिमेट्स यू शुड बी कंजरवेटिव तो अगर हमें लगता है कि रेवेन्यू टू हंड्रेड करोड़ का होने वाला है इस प्रोजेक्ट को तो हम थोड़े से कंजरवेट हो जाए क्योंकि अनफेवरेबल इवेंट्स भी हो सकते हैं सो इनस्टेड ऑफ टेकिंग टू हंड्रेड सो वी कैन कट से टेन परसेंट का कट हम लगा लें अनएक्सपेक्टेड अनफेवरेबल इवेंट्स के लिए तो हम रेवेन्यू को एक्सेप्ट कर लें लेटर से 180 करोड़ तो यहाँ पे हम कंजर्वेटिव अप्रोच को अडोप्ट करें यस yes, ये तो ज़रूरी है कॉस्ट एस्टिमेट शुड हैव सेफ्टी मार्जिन जो कॉस्ट के एस्टिमेट हैं तो अगर कॉस्ट हमारी 200 आने वाली है तो हम उसको बढ़ा के टेन से लेके 30% और ऐड कर देंगे तो यस yes, ये भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट को लेके कंटिजेंसी को कंसिडर कर रहे होंगे फ्लेक्सीबिलिटी इन्वेस्टिंग में भी रिक्वायर्ड विद कट ऑफ पॉइंट सेट बेस्ड रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन यस ये तो नहीं बनता है इट इज नॉट दैट सेंसिटिविटी एनालिसिस और सैन्य एनालिसिस हम उसको यूज करेंगे क्योंकि इवेल्यूएशन में हेल्प करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट चेंजेस और रेवन्यू रिफ्लेक्शंस को वो बताते हैं यस दिस इज वेरी मच रेलिवेंट तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी सो दिस इज अवर आंसर तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर ट्वेल्व के ऊपर यहां तक था हमारा चैप्टर नंबर इलेवन वट आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इन द प्रॉफिट एनालिसिस सो प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर दो मेन कंपोनेंट रहते हैं कॉस्ट के तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट एंड वॉल्यूम फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्राइस या प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट तो दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं कॉस्ट के प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर बहुत आसान सा आंसर है तो यस ये आंसर हमारे सामने पड़ा हुआ है एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट एक होता है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है सो फिक्स्ड कॉस्ट है जो चेंज नहीं होता कब जब सेल्स में चेंज है सेल्स चेंज हो रहे हैं लेकिन ये कॉस्ट चेंज नहीं हो रही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली थी डेप्रिशिएशन कॉस्ट चेंज नहीं होती वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है सो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको हम कहते हैं जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सेल्स तो अगर सेल्स चेंज होती हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होते हैं तो ये दो मेन कंपोनेंट ने प्रॉफिट एनालिसिस के तो हमारा आंसर बन गया बी व्हेन डिस्कसिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग डिसीजन तो मेकिंग में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होता है ए कॉस्ट दैट मस्ट बी पेड इन कैश ए पोटेंशियल बेनिफिट और इनकम गिवन अप व्हेन सेलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर द अदर ए कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिक्स एक्सपेंसिस ए कॉस्ट विच इज ऑलवेज अवॉइडेबल तो थोड़ी देर पहले हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जब मैच हम कर रहे थे डिफरेंट कॉस्ट को तो वहां पे हमने डिस्कस किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और वहां पे हमने ये जो एक्सप्लेनेशन थी इसी को टिक किया था यानी अगर हम और सामने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर हम एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं तो दूसरे ऑल्टरनेटिव की इनकम को हम गिवन अप कर देते हैं तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे इसका आंसर बनता है

लेस डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर कंडीशन लाइक एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड और गुड्स रिटर्न और ये हमारे सामने ऑप्शन हैं ए बी सी तो ए तो है नहीं सी बी सी डी हमारे पास ऑप्शन हैं तो चलिए इन्हीं में से हम डिसाइड करेंगे तो कौन सी वो कंडीशन है जब हमारे पास ऑर्डर बहुत बड़ा आया है लेकिन वो हमें अट्रैक्टिव नहीं लगता है न्यू प्रोडक्शन लाइन अपॉर्चुनिटी अगर है तो ये तो फैक्टर नहीं है लेस डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर ये भी फैक्टर नहीं है लेकिन एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड है या गुड्स रिटर्न है तो ये हमारे लिए लेस अट्रैक्टिव बन जाता है तो क्रेडिट पीरियड ज्यादा दो जिससे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी गुड्स की रिटर्न उसकी इश्योरेंस दो तो ये इश्यूज़ उसको लेस एट्रैक्टिव बना देते हैं तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं वट वॉज कन्वेंशनल मैथड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर एमरजेंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैथड आने से पहले कौन सा वो कन्वेंशनल मेथड था जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते थे वो एक कन्वेंशनल मैथड था असाइनिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देअर मार्केट वैल्यू यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा ऑन सेल्स एंड रेवेन्यू एलोकेटिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट यूजिंग मीट्रिक्स लाइक यूनिट प्रोड्यूस्ड और कस्टमर्स कैलकुलेटिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन रॉ मटीरियल यूज तो हमने बताना है उस कन्वेंशनल मेथड का नाम जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते थे कब जब ए बी सी मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो क्वेश्चन फोर्टी फाइव में क्या आंसर बनता है देखिए व्हाट विल बी तो वो मेथड था जब हम कॉस्ट को एलोकेट कर देते थे प्रोडक्ट्स को जिसमें हम मेट्रिक्स लाइक यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए कस्टमर्स कितने हैं यानी हम टोटल कॉस्ट देख लेते थे और फिर टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या कितने कस्टमर को हमने सर्व किया तो उस मेथड को हम यूज करते थे तो उस मैट्रिक को हम यूज करते थे बिफोर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड वॉज डेवलप्ड इन ए बी सी सिस्टम वट इज द रोल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर तो ए बी सी क्या है तो ये मेथड हमने यहां पे देखा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो इसके अंदर रोल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर क्या रहता है it measures the quantity of resources consumed by the activity it is measure of production marketing and research it is a group of cost incurred on a particular activity it causes change in cost of activity and can be further categorized into resource cost driver and activity cost driver <clears throat> so question number 46 may answer kya hoga तो मुझे लगता है यहाँ पे तो हम थोड़ा गैस वर्क कर सकते हैं अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है और वो हमारा गैस वर्क एकदम सही हो जाना चाहिए देखिए कौन सा ऑप्शन के ऊपर गैस वर्क करते हैं आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में कॉस्ट so, ड्राइवर हमारे पास है और कॉस्ट ड्राइवर की हम बात कर रहे हैं तो एक है उसमें रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एक है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर दैट मीन आंसर हमारा बनता है डी इट कॉज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड कैन बी फर्दर कैटेगराइज इन टू रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एंड एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज ट्रस्ट कंसिडर्ड असेंशियल इन बिजनेस रिलेशन बिजनेस रिलेशंस के अंदर जो ट्रस्ट है वो क्यों असेंशियल होता है ट्रस्ट कैन बी ईजीली रिगेन्ड इफ लॉस्ट ट्रस्ट इज़ फाउंडेशन ऑफ मैनी रिलेशन इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेशन ट्रस्ट हैज़ नो लीगल इम्प्लीकेशनज ट्रस्ट इज अननेसेसरी इन बिजनेस डीलिंग्स तो ट्रस्ट को क्यों कंसिडर किया जाता है कि वो असेंशियल है बिजनेस रिलेशंस के अंदर उंडल जो किसी भी रिलेशन का फाउंडेशन है बेसिस है वो ट्रस्ट ही होता है और बिजनेस के अंदर भी उसका वो फाउंडेशन है सो ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप ऑल्सो तो इसीलिए ट्रस्ट को असेंशियल कंसिडर करते हैं रिलेशन के अंदर बिजनेस रिलेशन के अंदर सो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है वट आर सिक्स पिलर्स ऑफ करेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल एज ए डेवलपड बाई जॉसफनसन इंस्टीट्यूट ऑफ एथिक्स तो कैरेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल है उसके छे पिलर्स हैं वो छह पिलर्स कौन कौन से हैं तो देखे हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं नॉलेज एक्सपीरियंस कॉम्पेशन प्रॉफिट एफिशिएंसी इनोवेशन ट्रस्ट वर्दीनेस रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयरनेस एंड सिटीजनशिप कॉम्पिटिशन सीक्रेसी एंड ग्रोथ तो हमने बताना है उन छे में से इनमें कौन से वो पिलर्स हैं करेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग के नॉलेज है एक्सपीरियंस है कॉम्पैशन है प्रॉफिट एफिशिएंसी इनोवेशन है ट्रस्टवर्दीनेस रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयरनेस सिटीजनशिप है कंपटीशन कम्पिटिशन सीक्रेसी एंड ग्रोथ है तो यहाँ पे वो छ के पिलर्स नहीं दिए गए लेकिन उनमें से जिन पिलर्स को दिया गया है तो उन सिक्स पिलर में से इनमें वो कौन से पिलर्स हैं तो वो आंसर हमने प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट के लिए फ्रेंड वो सिक्स पिलर में से यहाँ पे पांच पिलर्स दे रखे हैं ट्रस्ट वर्दीनेस है रिस्पेक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेयरनेस है एंड सिटीजनशिप है हाउ डज सी पी वी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हेल्प आंसर फाइनेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू बिजनेस डिसीजन तो जो सी पी वी एनालिसिस है वो कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल क्वेश्चन को आंसर देने के लिए जो बिजनेस डिसीजन के साथ रिलेटेड है Assessing impact of reducing selling price and increasing volume on profits. Determining additional sales volume required to cover fixed cost when they change due to advertising campaigns or sales promotion measures. Evaluating best compensation structure for sales staff whether fixed salary, commission or combination of both. Yeah. प्रडिक्टिंग द एफर्ट्स ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन इन सेल्स प्राइस आउटपुट और कॉस्ट और ये हमारे ऑप्शन हैं तो हमने बताना इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है सी पी वी एनालिसिस कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल क्वेश्चन को आंसर करने में जो बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड है बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड कई फाइनेंशियल क्वेश्चन होते हैं तो सी पी वी एनालिसिस वहाँ हमें हेल्प करता है क्वेश्चन फोर्टी नाइन वट विल बी द आंसर तो चलिए देख लेते हैं असेस इंपैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट अगर हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दें या वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर दें तो उसका इंपैक्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या होगा यह असेस करने में हमारी हेल्प करता है दिस इज करेक्ट डिटर्मिंग एडिशनल सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर टू कवर फिक्सड कॉस्ट अगर फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कवर करना हो तो उसके लिए हमें एडिशनल सेल्स वॉल्यूम कितने करने होंगे क्योंकि हम अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं या सेल्स प्रमोशन के जो खर्चे करते हैं फिक्स्ड तो उनको कवर करने के लिए एडिशनल सेल कितनी हमें करनी होगी इसका आंसर भी वो प्रोवाइड करता है बेस्ट कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर फॉर सेल्स स्टाफ वेदर फिक्स सैलरी कमीशन और कम्बिनेशन ऑफ बोथ यस इस कॉम्पेंसेशन के स्ट्रक्चर को भीट करने में हेल्प करता है प्रडिक्टिंग इफेक्ट ऑन फाइनेशियल रिजल्ट केस ऑफ फ्लक्चुएशन इन सेल्स प्राइस आउटपुट और कॉस्ट अगर इन फैक्टर्स में फ्लक्चुएशन होती है तो हमें वो प्रडिक्ट करके बताता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है तो ये भी करेक्ट है तो दिस मीन ऑल द अब हियर आर करेक्ट तो सारे के सारे हमारे यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहे हैं so, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लें फ्रेंड्स आप अपनी प्रेपरेशन क्या आई आई बी एफ बुक्स को यूज करके कर रहे हैं सो so, अगर आप इन बुक्स को यूज कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है जैसे लिखा गया है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी लगती है वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हैं आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ता है तो इसीलिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ रहा हो सकता है आप बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हर चैप्टर के पीछे थोड़े थोड़े क्वेश्चन गिवन होते हैं के स्टडीज़ ऑलमोस्ट मिलती नहीं है बुक के अंदर और केस स्टडीज़ तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे एग्जाम के अंदर तो इन प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास फ्रेंड्स अगर आप यूज़ करते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइज वीडियो लेसनज़ को तो उससे आपकी जो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी इन वीडियो लेसन में हम कॉन्सेप्ट को बहुत आसान करके समझाते हैं तो एक तो आप उसको फॉलो कर जाते हैं और बहुत क्विक टाइम में फॉलो कर जाते हैं यानी आपकी ये पहली दोनों प्रॉब्लम्स हमारे वीडियो लेसन से सॉल्व हो जाती हैं हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारी केस स्टडीज़ में आपको सॉल्व केस स्टडीज़ मिल जाती हैं जो प्रैक्टिस के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं तो अगर ये सारा कुछ अवेलेबल है एट लो प्राइस और वो भी बेस्ट क्वालिटी के अंदर तो वाई नॉट टू यूज इट तो इसके लिए आप हमारी ऐप को यूज कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं वट आर सम की एथिकल कंसिडेशन डिस्कस्ड फॉर बिजनेस डिसीजन मेकर्स एंड वाई आर दे इंपॉर्टेंट तो कौन कौन सी की एथिकल कंसीडरेशंस हैं जो बिजनेस डिसीजन मेकर के लिए ज़रूरी होती हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं तो देख लेते हैं वो एथिकल कंसीडरेशंस क्या है मॉरल कंसीडरेशंस क्या है तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं ट्रुथफुलनेस फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट है ट्रस्ट वर्दीनेस वाइटल लाइन रिलेशनशिप्स के लिए एडवर्स कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ए ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट के लिए तो यस ये तो करेक्ट है ये हमारे ऑप्शन है तो दिस इज करेक्ट <coughs> ये तो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पेक्ट ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल विद डिग्निटी एंड द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन गुडविल एंड बिजनेस रिलेशन यस ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिस्पेक्ट की एक सिग्निफिकेंस होती है सभी को हम बराबर डिग्निटी के साथ जब ट्रीट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्शन

नेस, रिस्पेक्ट पार्ट फेयरनेस ये सारे के सारे एथिकल कंस्टिडेशन हैं। तो यहां पे हमारा ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा ए बी हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा फ्रेंड आज के सेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स वीडियो का उसमें अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है यहां पे आप हमें मेल कर सकते हैं आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो आपने डिसलाइक जरूर करके जाना है लेकिन अगर ये यूज़फुल लगा है तो फिर लाइक like करने में संकोच मत करें मोर देन वन आवर यू स्पेंड ऑन वॉचिंग दिस वीडियो अब पाँच सात सेकेंड आपके और लगने हैं तो लाइक like को पुश कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक like का पुश करना मीन्स यूट्यूब इस वीडियो को कोशिश करता है और लोगों तक पहुंचाने की तो आपका ये छोटा सा लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए तो कर दीजिए लाइक बटन को पुश और केवल लाइक के ऊपर ना छोड़ें इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फेसबुक पेज या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अगर उसको पोस्ट कर देते हैं तो आपके फ्रेंड्स उसको देख सकेंगे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन नहीं पुट पुश किया है तो उसको क्लिक कर दें सो so दैट हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें वो भी बेल आइकन के साथ तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं सो थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट